गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम ईवीएस का चैप्टर वन पढ़ेंगे, अवर ग्रीन फ्रेंड्स यानी हमारे हरे दोस्त। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्लांट का पिक्चर बना हुआ है। इस प्लांट के पार्ट्स को हमको लेबल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पत्तियों को क्या बोलते हैं, लीफ बोलते हैं। और उसके बाद इधर देखिए यहाँ पर एक फल, एक फ्रूट है, उसको मतलब फल को क्या बोलेंगे, फ्रूट। उसके बाद नीचे देखिए प्लांट का तना है, तना को स्टेम बोलते हैं। और उसके नीचे जो है जमीन के अंदर रहता है जड़, जड़ को रूट बोलते हैं। ठीक है, वी सी मैनी प्लांट्स अराउंड अस, हम अपने चारों तरफ बहुत सारे पेड़ पौधे देखते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज, वो अलग अलग शेप और साइज के होते हैं। सम आर बिग वाइल सम आर स्मॉल, कुछ जो है वो बहुत बड़े होते हैं और कुछ जो है वो बहुत छोटे होते हैं। सम प्लांट ग्रो ऑन लैंड एंड सम इन वाटर, कुछ जो है वो जमीन पर उगते हैं और कुछ पानी के अंदर। सम प्लांट आर फाउंड एट हॉट प्लेसेस वाइल अदर एट कोल्ड प्लेसेस, कुछ प्लांट जो है वो हॉट प्लेसेस यानी गर्म जगह पर उगते हैं और कुछ जो है वो ठंडी जगहों पर। टाइप्स ऑफ प्लांट, डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड टाइप्स ऑफ स्टेम प्लांट्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, साइज के डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड टाइप्स ऑफ स्टेम प्लांट आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप। फर्स्ट जो प्लांट का टाइप है वो है ट्री। ट्री बिग प्लांट आर कॉल्ड ट्री, जो बहुत बड़े पेड़ होते हैं उनको क्या कहते हैं, ट्री। दे लिव फॉर मैनी ईयर्स, वो जो है वो बहुत सालों तक रहते हैं। दे हैव अ हार्ड एंड थिक वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक, उनके ट्री का जो है वो बहुत हार्ड और थिक वुडी स्टेम होता है, उसको क्या कहते हैं, ट्रंक। ट्रंक जो है वो बहुत मोटा होता है। देयर ब्रांचेस बियर लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट, उनके जो ब्रांचेस होते हैं उनकी जो डालियां होती हैं उस पर क्या उगते हैं, लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स यानी पत्तियां फल और फूल उगते हैं। ठीक है, किसको बोलते हैं ट्री, बहुत बड़े प्लांट्स को, पेड़ को ट्री कहते हैं। उसके बाद सेकेंड जो है प्लांट का टाइप है वो है शर्ब्स, स्मॉल प्लांट आर कॉल्ड शर्ब्स, जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनको शर्ब्स कहते हैं। दे आर मच स्मॉलर देन ट्री विथ थिन एंड हार्ड वुडी स्टेम, वो जो पेड़ से बहुत छोटे होते हैं लेकिन उनके स्टेम जो है वो थिन और हार्ड होते हैं। दे हैव मैनी ब्रांचेस दैट ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हर्ब। हर्ब आर वेरी स्मॉल प्लांट्स, मोस्ट ऑफ देम आर सीजनल, देयर स्टेम आर सॉफ्ट एंड वीक, हर्ब जो है वो बहुत छोटे प्लांट्स को कहा जाता है और ये ज़्यादातर सीजनल होते हैं। देयर स्टेम आर सॉफ्ट एंड वीक, इनके जो तने होते हैं वो बहुत सॉफ्ट और वीक कमज़ोर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुलसी, मैरीगोल्ड और ओरिएंडर, ये जो है हर्ब्स के टाइप हैं। उसके बाद है क्लाइंबर, हैव यू एवर नोटिस्ड अ मनी प्लांट और अ ग्रेपवाइन, आपने कभी मनी प्लांट या फिर ग्रेपवाइन को नोटिस किया है। दे हैव थिन एंड वीक स्टेम, उनके जो स्टेम होते हैं वो बहुत पतले और कमजोर होते हैं। दे दैट कैनॉट स्टैंड स्ट्रेट, वो जो है वो सीधे ऐसे स्ट्रेट खड़े नहीं रह सकते। दे नीड सपोर्ट टू ग्रो, उनको ग्रो करने के लिए सपोर्ट की जरूरत होती है। Therefore they are called climber, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, climber। They need the support and of other plants, wall or thick to grow, उनको क्या है, अदर प्लांट की या फिर दीवार की या किसी लकड़ी के स्टिक की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट है creepers, creeper are weak plant that also have weak and thin stem, क्रीपर क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं, कमज़ोर प्लांट होते हैं, उनके स्टेम थिक और थिन और वीक होते हैं। दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड एंड बियर लार्ज एंड हैवी फ्रूट्स, क्रीपर क्या होते हैं, ज़मीन पर ही उगते हैं और उनके जो फ्रूट्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पम्पकिन, पम्पकिन यानी कद्दू, कद्दू का प्लांट आपने देखा है वो ज़मीन पर ही उगता है और बहुत कमज़ोर रहता है लेकिन उसके जो फ्रूट हैं वो बहुत बड़े होते हैं। नेक्स्ट है हमारा लाइफ इन प्लांट्स, प्लांट्स में जीवन, प्लांट्स आर लिविंग थिंग, दे आर बॉर्न दे ग्रो एंड दे डाई, प्लांट्स क्या होते हैं, लिविंग थिंग होते हैं। लिविंग थिंग किसको कहा जाता है, लिविंग थिंग उनको कहा जाता है जो सांस लेते हैं, जीवित रहते हैं, खाना
प्लांट्स आर लिविंग थिंग, दे आर बॉर्न, दे ग्रो एंड दे डाई। प्लांट्स जो है वो लिविंग थिंग है, वो जीते हैं, ग्रोथ करते हैं और मरते भी हैं। दे ब्रेथ, ग्रो एंड मेक देयर ओन फूड, वो सांस लेते हैं और अपने भोजन को स्वयं बनाते हैं। लीव्स ऑफ प्लांट मेक फूड ओनली ड्यूरिंग डे, प्लांट की जो पत्तियां हैं वो केवल दिन में ही अपना भोजन बनाती हैं, अपना खाना बनाती हैं। एज सनलाइट इज नीडेड फॉर इट, इसलिए इनको सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है। मोस्ट ट्रीज एंड शर्ब्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मैनी ईयर, व्हाइल प्लांट लाइक पी एंड राइस लीव ओनली फॉर अ फ्यू डेज। मोस्ट ऑफ शर्ब्स प्लांट्स या ट्री जो है वो बहुत सालों के लिए जीते हैं, लेकिन पी का प्लांट होता है या राइस का है वो कुछ मंथ के लिए ही